गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश मेंटर स्वाति त्रिपाठी। तो हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, विच इज़ योर इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है, विच इज़ रिलेटेड टू ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, SSC, CGL, बैंकिंग, CDS, UPSC, सारे एग्जाम से रिलेटेड है। UPSC, CDS कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टाइम एंड टेंस, मॉडल ऑक्सिलरीज, क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव, नरेशंस, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये आपके क्या हो जाएंगे यहाँ तक, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें एक और इंक्लूडेड है जो आपके सीरियस में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। आर्टिकल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एडवांस, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके वोकैब्स को कवर करने के लिए, जहाँ से आपका आपका ओरिजिन होता है वर्ड का। जैसे कि हम एक वर्ड देख ले, अगर ओमनी, ओमनी मीन्स आप कैसे लर्न करेंगे, जैसे ओमनी मीन्स होता है ऑल, तो आप कैसे, जैसे आपके पास एक कभी भी पेन होता है तो लोग क्या कहते हैं, ओमनी जेल लगा लो। हर चीज़ का एक सीधा सा सलूशन कि ओमनी जेल लगा लो, वैसे ही वर्ड ओमनी को वर्ड उठा के जहाँ पर भी हमने ओमनी वर्ड लगा दिया उसका मतलब ही हो जाता है आपका क्या, सब कुछ। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी पोटेंट जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, ओमनीशिएंट जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज हो। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्ट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना, उसकी जगह लेना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक वर्ड के लिए, जैसे कि आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, द वन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ओमनीशिएंट। एडियम फ्रेजेस, एडियम फ्रेजेस क्या हो जाता है, जिसमें से आपको हिंदी में अपने पढ़ाओ को मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जैसे बोल दिया जाए कि एट द 11th आर, तो एट द 11th आर क्या होता है, हमारे जो घड़ी होती है उसमें सबसे लास्ट में यही होता है, इसके बाद डायरेक्ट 12 होते ही हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो एट द 11th आर मीन्स एकदम लास्ट पे, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो एकदम 11th आर पे पढ़ाई की तैयारी करते हैं, जब हमारे पास एडमिट कार्ड आ जाता है, हमारे पास टाइम आ जाता है कि हमें डेट पता चले, तब हमने स्टार्ट किया, उस हिसाब से एडियम फ्रेज हो गए। सिनोनिम एंटोनिम, सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम को कवर करने के लिए हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे कि हमारे वर्ड्स बनते कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, उसके बाद हम सब सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड उनको कवर करेंगे। फिर मिस स्पेल्ड, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप लोग स्लाइड से मिस्टेक कर देते हो, आप लोग सबसे पहले ऑप्शन को देखते हो, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, वाला ऑप्शन, सबसे पहले उसमें हमको क्या देखना होता है, कैसे करना होता है, उसको हम कवर करेंगे। फिर आपका पैराजम्बल, किसी के एग्जाम में पैराजम्बल आता है, कहीं पर ABCD फॉर्म में आता है, कई समटाइम होता है PQRS फॉर्म में, समटाइम्स होता है कि हमें वन ऑप्शन होता है, लास्ट ऑप्शन दिया होता है और बीच में PQRS फिल करना होता है, तो उस हिसाब से करना होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन बच्चे इसमें कहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, फुल पैसेज को रीड करने में। जो RC होता है उसमें सबसे पहले में किस तरह से उसको पढ़ने के लिए डेली न्यूज़पेपर की प्रैक्टिस करनी होती है, और उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करना और वो कैप्स की अच्छी नॉलेज होना, फिर हम इस पर अच्छे से कवर कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टाइम देना होता है, टाइम के साथ साथ आपको पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट स्पेलिंग, फिलर्स, सेंटेंस करेक्शन, ये सब आपके इसमें कवर हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट हो गया आपका, डबल फिलर हो गया, और आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सेंटेंस करेक्शन, नेक्स्ट हो जाएगा स्पॉटिंग एरर्स, और एक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें सबसे टाइम एंड टेंसेस। अगर हमें टेंस की अच्छी खासी नॉलेज होगी, हमें टेंस पे अपनी नॉलेज की पकड़ होगी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने ये सारी चीज़ों को एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हमारे ये टॉपिक पैराग्राम्बल, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, क्लोज टेस्ट, इन पे अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होनी है, कौन सी पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होनी है। अगर हमको यही नहीं पता होगा ये कौन सा टेंस है, तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। फिर आता हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कि हमें कब कैन का यूज़ करना है, कब मे का यूज़ करना है, ऑट का यूज़ करना है, इस शुड का यूज़ करना है, शुड में और मस्ट में क्या फ़र्क होता है, कब सजेशन दिया जा रहा है,
कब हम पर चीज़ें इम्प्लाई की जा रही है। जैसे हमें एक ग्लास सुबह पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आपके लिए चीज़ें मैंडेटरी की जा रही है। कब आपके लिए मस्ट आएगा, आपको सुबह उठकर ये काम करना ही चाहिए, जब आपके लिए ही चाहिए, आपके ऊपर कंपल्शन हो जाता है तो मस्ट हो जाता है। अब आपके लिए केवल आपको एक माइनर सा सजेशन दिया जाए जो बहुत माइल्ड हो, वहाँ पे शो डाला जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे मम्मी लोग कई बार हमसे पूछती है पानी का ग्लास उठा के रख देना चाहिए, है ना, तो वो जो है ना वर्ड है आपका वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। इसको किस तरह से करेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन, राम इज अ गुड बॉय, Isn't he? तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे रिलेट होता है, जस्ट इसी का ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, और वो भी नेगेटिव फॉर्म में। फिर आते हैं हमारे एक्टिव पैसिव पे। एक्टिव पैसिव का सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है कि हमें टेंस की और टाइम एंड टेंस की सबसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे लिखा है राम डज हिज वर्क, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो डज है वो हमारे कौन से फॉर्म में है, हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब हमें ये पता होगा तभी हम इसको चेंज कर पाएंगे। कैसे चेंज होता है, ये जो डूअर होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल सा आपको रूल पता होगा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क इज Done by Ram. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Ram's work is done by him भी आप बना सकते हैं, दो तरीके से sentence बन सकता है। फिर next आता है आपका narration. Narration को हम कैसे convert करेंगे, narration के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा जो reporting speech क्या होती है। आधे स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज स्पीच एंड व्हाट इज रिपोर्टेड वर्ब। अभी आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता स्पीच मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट स्पीच, केवल स्पीच का मतलब क्या होता है, स्पीच मींस बोलना, तो जो चीज हम बोल रहे हैं वो स्पीच हो गई, और वर्ब मींस सिंपल एक्शन वर्ब। तो अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हो, राम सेड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समथिंग, यहाँ पे कुछ लिखा हो, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो लिखा राम ने श्याम से कहा, जो कहा है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीच। तो हमें यही पता नहीं है कि स्पीच को चेंज करना है कि रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना है, जस्ट रेड लोगे तो नहीं होगा। तो स्पीच जो होती है, जो चीज़ बोली जा रही है इसको स्पीच कहते हैं, और ये होती है रिपोर्टेड वर्ड। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्या देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट में होगी तो अंदर वाले का टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा वो भी अभी हम ब्रीफ में देखेंगे, और अगर पास्ट में होगा तो अंदर वाले का टेंस बदलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं नाउन पर। नाउन को अभी नाउन बेसिकली नाउन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती तो आप तुरंत स्टार्ट करते हो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आइडिया भी जुड़ जाएंगे, फीलिंग्स भी जुड़ जाएंगी, तो इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, नाउन इज बेसिकली अ नेमिंग वर्ड, जिस किसी भी चीज़ का, वो चीज़ विजिबल हो या फील की जा सकती है, जिस किसी का भी हम नेम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाउन। और प्रोनाउन, प्रोनाउन इज जस्ट अ वर्ड, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। लेकिन प्रोनाउन में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ही शुड इट, इनके अलावा हमको कहाँ पर दे का यूज़ करना है, कहाँ पर ईश का यूज़ करना है, कहाँ पर एवरी का यूज़ करना है, और इनके साथ कौन सी हमारी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी या प्लूरल फॉर्म आएगी। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड, एड मीन्स किसी चीज़ में कुछ प्लस होना, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव बेसिकली अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो भी आपकी क्वालिटी नाउन और प्रोनाउन की बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है डिटरमाइनर, तो उसको भी हम इसी टॉपिक में ही कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब एड प्लस वर्ब, जो चीज़ बता रही कि कोई चीज़ हुई तो कैसे हुई, कहाँ हुई,
कब हुई उसको बोलते हैं, जैसे कि वो यहाँ कल आया था तो कल हमारा क्या हो जाएगा, कब आया, कब का आंसर एडवर्ब, वो यहाँ पर कल आया था, इसको हम एडवर्ब को कन्वर्ट कंप्लीट करेंगे एडवर्ब वाले टॉपिक पे। कन मीन्स कंजेक्शन क्या होता है, कन मीन्स होता है साथ, जब भी आप कन्वर्ट करोगे उसका मतलब होता है आपका साथ, किसी को भी चीज़ को साथ में लेकर चलना, जोड़ने को बोलते हैं कंजेक्शन। तो यहाँ पर जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर टू बेस्ट फ्रेंड, तो दो चीज़ों को जोड़ा गया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले और पोजिशन मीन्स आपका स्थान, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को रिलेट करते हुए स्थान बताती है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा नहीं जा रहा, उनका रिलेशन बताया जा रहा, उनको आपस में रिलेट किया गया है कि जो ये बुक है वो कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, वहां पर हम क्या कवर करेंगे, प्रीपोजिशन कवर करेंगे। और इसी के बाद एक नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होते हैं, आपके इमोशंस, अगर आप खुश हो, दुखी हो, आप मैच जीत गए हो, आप फेल हो गए हो, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा तो उल्टे यहाँ से कर लूँ, हाँ हाँ ठीक है। फिर हमारा आता है, अगर हमने इंट्रोडक्शन की बात की तो इंट्रोडक्शन हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, इमोशंस, हम किस तरह से फील कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम मैच जीत गए हैं, पेपर में पास हो गए, तो उसकी खुशी को लेकर होता है। ये हमारे हो गए बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल, जिसमें बेसिकली आपके क्या होते हैं, ए एंड द, फिर भी उसके बाद भी आप गलतियाँ करते हो, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम ए दा का यूज़ कब करना है और कब हमें उसको ब्लैंक छोड़ना है, वहाँ पे कब नो आर्टिकल का यूज़ होगा और कब दा का यूज़ होगा। ए और एन का तो यूज़ आपको पता है, पर दा के यूज़ के लिए चीज़ों को क्या करना होता है, स्पेशल बनाना होता है। तो वो स्पेशल कैसा होगा वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर हम आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो हमारे सेंटेंस कंप्लीटेशन के लिए, सेंटेंस की एरर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो इसमें कवर हो जाएगा। फिर हमारा सिनोनिम एंटोनिम आपका रूट वर्ड के थ्रू क्लियर हो जाएगा। दिस इज द सिलेबस ऑफ योर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन। थैंक यू क्लास।